जय श्री कृष्णा। क्योंकि गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी क्योंकि हो रहा है शाम का ही टाइम, तो मैंने सोचा कि आज शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए क्योंकि अंधेरा हो चुका है और 7 बज गई है, तो मैंने सोचा आज शाम से चालू कर लिया जाए। और आप लोग कैसे हो ज़रूर मुझे बताइएगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हो। तो शाम का टाइम है, मैंने सोचा आपसे बात कर लेते हैं और चालू भी कर लेते हैं अपना जो काम है वो। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जब मैं दाल पालक बनाऊंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी, तो शाम को ही मैं बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है पालक है फिर वो ख़राब हो जाती है कि यदि मैं उसको कल बनाती या और शाम को बनाती ना तो वो ख़राब हो जाती है, और इस टाइम की पालक सब्जियाँ हैं तो वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं शाम को बना लिया जाए, तो मैं बना रही हूँ दाल पालक। तो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ रेसिपी कि मैं दाल पालक कैसे बना रही हूँ। मैं आप लोगों से मैंने कहा था तो ज़रूरी है कि आप लोगों को बता दूँ। और एक बात और आप लोगों से करनी है मुझे कि आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते यार, पूरा वॉच करा करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। नहीं पूरा कर सकते तो 3-4 मिनट का तो आप कर ही सकते हो ना, तो प्लीज़ यार पूरा करके, आप लोगों को पता है कितनी अहमियत है पूरे वीडियो वॉच करने की, तो प्लीज़ अपनी ये वाली बहन को आगे बढ़ाइएगा। तो चलिए अपन चालू चलते हैं किचन में और अपना काम चालू करते हैं। तो देखो भैयू क्या कर रहा है, भैयू कर रहा है पढ़ाई कोचिंग का, उसके होमवर्क वगैरह है तो वो कर रहा है बिल्कुल। भैयू हाय, भैयू हाय, बहुत शर्माता है, बोलता है मेरा फेस नहीं दिखाना, सिर्फ दिखाना कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो ठीक है मैं दिखा देती हूँ कि पढ़ रहा है ना, सीरियसली पढ़ रहा है बिल्कुल। तो चलिए हम चलते हैं किचन में। तो यहाँ आ गई हूँ मैं मेरे छुटकू से किचन में। देखो चिल्ला रहा है को कि मुझे क्यों दिखाया, देख रहे हो मेरे बाल कैसे दिख रहे थे वीडियो में। तो देखो देखो बताती हूँ मैं कि कितना मस्ती कर रहा है। देखो 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 छुप गया है। वीडियो में नहीं बिगड़े, नहीं बिगड़ेगा ना मेरा वीडियो, मैं सही में नहीं है, नहीं बिगड़ेगा, छुप गया मैं तो आपका वीडियो बिगाड़ूंगा। नहीं बिगाड़ेगा ना, बच्चा है मेरा है ना। तो बस इसकी ऐसी ही मस्ती चलती रहती है और बहुत बहुत मस्ती हो रहा है मेरा बेटा। चलो हम लोग मिलते हैं, बहुत हंसी मजाक हो गया आज के लिए, इतना काफ़ी है। और हम लोग मिलते हैं अब किचन में, चलिए बहुत हो गया हम लोग मिलते हैं मिलते हैं, लेकिन मैं अभी तक गई नहीं किचन में, लेकिन अब चलते हैं पक्का, डन। अब नहीं दिखाऊंगी ये है ना, ठीक है नहीं दिखाऊंगी, चलो चलते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और मैंने कुकर गरम होने के लिए रख दिया था, इसमें डाल देते हैं हम तेल और तेल गरम हो जाएगा। ये देखिए मैंने मूंग की दाल ले ली है और इसे धो के रख लिया है अच्छे से मैंने, बढ़िया पानी से धो लिया। छिलके वाली दाल है तो मैं छिलके वाली ही दाल खाती हूँ, मुझे छिलके वाली दाल अच्छी लगती है। तो ये देखिए पालक टमाटर प्याज मिर्ची और ये सब काट के रख लिए थे, पालक को मस्त धो चुलिए है क्योंकि इसको बिल्कुल धो के सुखाइए। और यहाँ पे तेल हो चुका है, तब तक तो हम डाल देंगे इसमें ज़ीरा, ज़ीरा बिल्कुल अच्छा तड़क जाएगा। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें एक चुटकी हींग। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ हींग। तो ये देखिए हींग का स्वाद दाल में बहुत अच्छा आता है, आप बिल्कुल कभी डालिएगा, और तुअर की दाल मूंग की दाल में हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, स्पेशली दाल में ज़्यादा अच्छा हींग का टेस्ट लगता है। तो यहाँ पे प्याज मिर्ची डाल देंगे हम और ये अच्छे से भूंजेंगे, इन्हें अच्छे से फ्राई हो जाएंगे मतलब ब्राउन। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। तो ये देखिए मेरे प्याज मिर्ची मस्त है ना, तो ये देखिए
अच्छे हो जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट वगैरह। उसके बाद हम सारे मसाले डालेंगे, तो हम पहले प्याज अच्छे से भूंज लेंगे ये प्याज वगैरह। उसके बाद ये सारे मसाले मैंने यहाँ ले लिए हैं, मिर्च हल्दी नमक और सब एक साथ ले लिए हैं और उसको डाल दिया है मैंने। तो देखिए मूंग की दाल का जो बघार रहता है वो आप बिल्कुल कड़क भूंजिएगा, मतलब जो ये जो मिर्ची वगैरह डाली थी ना हमने, ये थोड़ा सा थोड़ी ज़्यादा देर तक भूंजिएगा तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है। अब टमाटर डाल दिए हमने, टमाटर हो जाने के बाद आप डालिए पालक। तो और पालक डालने के बाद बस पहले अच्छे से मिला दीजिए। तो देखिए मैंने सारी पालक इसमें डाल दी है और हम इसे अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए रेड ग्रीन कितना अच्छा मसाला आ गया, हो गया ना। ये देखिए पालक की दाल वाकई बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम डाल देंगे अब यहाँ पे मूंग की दाल। तो ये मैंने मूंग की दाल डाल दी, आप लोग भी यदि बनाते हो तो मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसी लगती है। कि मतलब तुअर की दाल में भी पालक डाल के बनाओ, मूंग की दाल में बनाओ, कोई सी भी जो दालें रहती है ना उसमें आप डाल के बनाओ पालक, तो बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, आपका पता नहीं मुझे, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगती है। तो मैं पानी डाल दूँगी, पानी आप आपके हिसाब से डाल दीजिएगा। वैसे ज़्यादा पानी नहीं डाला था, गाढ़ी गाढ़ी बनी थी तो वाली क्लिप डिलीट हो गई थी तो फिर मैंने वो आपको बताई नहीं। और ये देखिए क्या मस्त कलर आया ना दाल का। कुकर लगा दूँगी, दो तीन सीटी ले लूँगी और आपकी दाल बन के परफेक्ट तैयार। गरम गरम खाइए और आप भी बताइए। देखिए मेरी दाल बन चुकी है और दाल बन गई है और मैंने सोचा आप वीडियो का एंड कर लेते हैं हम लोग। तो आप सब लोगों को बोलने की ज़रूरत तो नहीं है कि पूरा देखिए, आगे बोल चुकी हूँ। तो प्लीज़ बस इतना ही बोलूँगी कि आप सब खुश रहिए और मुझे याद करते रहिए। और मेरे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप लोग नए आए हुए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। यदि कुछ गलतियां कर रही हूँ तो वो भी ज़रूर बताइएगा कि आप ये कर रहे हो, तो मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो फिर मैं आपसे अब कल तक के लिए लेती हूँ बाय। फिर मैं कल एक नए काम, एक नई उसके उमंग के साथ मिलूंगी मैं आप लोगों को। तो कल तक के लिए लेते हैं हम विदा। और कुछ गलती हुई तो प्लीज़ अपनी बहन समझ के कर दीजिएगा माफ़ी। तो कल तक के लिए हम लेते हैं बाय।